YouTube चैनल में हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों में मेरा फेवरेट फेमस हेयर रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों के लिए होममेड कौन सा हेयर सीरम यूज करती हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा होममेड हेयर मास्क एंड होममेड हेयर सीरम दोनों भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में से बिल्कुल भी नहीं स्किप करना गाइस। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे भी क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि हमें बहुत जल्द हमें 4 लाख की फैमिली कम्प्लीट करनी है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरा कौन सा ज्यादा फेमस फेवरेट है जो मैं अपने बालों में हेयर मास्क लगाती हूँ, वो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है अब तक। और उस वीडियो को मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है, उस पे भी 20 लाख के ऊपर व्यूज आए है। तो गाइज मेरे जो भी नए सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लिप भी दिखा दूंगी कि कैसे मैंने होम रेमेडी बना के अपने बालों पे लगाती हूँ। और ये मैं कभी कभार करती हूँ, महीने में 1 या 2 बार तो भी मैं कर लेती हूँ। तो क्योंकि अभी मुझे इतनी जरूरत है नहीं, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बालों की केयर नहीं करती हूँ। मैं अपने बालों की केयर जरूर करती हूँ और मैं करते रहती हूँ, भले मेरे बाल कितने भी अच्छे रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक चीज छोड़ दूँ तो मेरे बाल फिर से अपनी क्वालिटी जो है वो खराब होती जाए। इसलिए मैं हर चीज मेंटेन करके रखती हूँ, तो आपको भी हर एक चीज मेंटेन करके रखनी है। तो गाइज आपको मैं बता देती हूँ कि मैं अपने बालों में कौन सा हेयर मास्क लगाती थी। तो आपको सबसे पहले एक एलोवेरा का लीव तोड़ लेना है, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो येलो पार्ट होता है वो जहर होता है। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये था, सब लोगों ने उस वीडियो में इतना मजाक उड़ाया है। तो गाइज मैं क्लियर कर देती हूँ, वो जहर होता है, इट मीन्स कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो इतना भी स्ट्रांग पावरफुल जहर नहीं है कि वो किसी को दे डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, वैसा वाला जहर नहीं है। वो थोड़ा पॉइजन लाइक रहता है, तो वेस्टेज रहता है वो प्लांट का, तो आपको इसलिए उसको मैंने जहर वर्ड यूज किया है। तो काफी सारे लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, कोई बात नहीं, मेरा मजाक उड़ा के हंसे तो सही, ठीक है। जो भी वो येलो वाटर रहता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, वो जहर होता है। उसके बाद आपको साइड के कट कर लेने हैं, ताकि वो काटे काटे रहते वो चुभे ना, उसको आपको कट कर लेना है। ऊपर की परत निकाल लेनी है, अंदर का जितना भी घर है उसको सबको निकाल लो और एक मिक्सर जार में डाल दो। आपके बालों के क्वांटिटी के हिसाब से आपको एलोवेरा जेल लेना है। मेरे को एक लीव तो भी लगता है, मेरे ऑल ओवर हेयर पे मैं लगा लेती हूँ आराम से। तो गाइस ज्यादातर आपको ध्यान रखना है कि आपके स्कैल्प पे आप ज्यादा अच्छे से लगाओ, देन बचा खुचा हुआ आप आपके हेयर के लेंथ पे लगा सकते हो। सेकेंड थिंग ये थी कि उसमें सब लोगों ने ये कमेंट किया कि आपने तो सिर्फ बालों पे लगा, स्कैल्प पे लगाया, आपके बाल कैसे चमकने लगे। तो गाइस आपको मैं बता देती हूँ कि वीडियो क्लिप, 1 मिनट के वीडियो क्लिप में मैं हर पूरे बालों पे नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि रियलिटी में मेरे पूरे बालों में लगाने के लिए मुझे 1.5 घंटे के ऊपर लग जाते हैं। तो 1 मिनट में मैं कैसे दिखाऊंगी, तो वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा है कि स्कैल्प में आपको इस तरीके से लगा, बाकी का लेंस पे आप खुद से ही लगा लो। इसके बाद ना गाइस आपको उसके अंदर ऐड करना है विटामिन ई के कैप्सूल के ऑयल, आपको ऐड करनी है, उसको कट करके उसके अंदर का जो भी ऑयल है वो निकाल लो, 2 या 3 कैप्सूल भी इनफ है। फिर उसको मिक्सर जार में अच्छे से मिक्स कर लो, आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, मैंने बिना छाने ही अपने बालों पे लगाया है। और मैं बिना छाने ही कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी छान के भी लगाती हूँ, ताकि उसका दरदरा अपन बालों में ना फंसे। तो उसके बाद मैं 1 घंटा अपने बालों में रखती हूँ, 1 आवर में अपने बालों पे जो है उसे लगा के रखती हूँ, देन मैं अपना हेयर वॉश कंप्लीट कर लेती हूँ। देन उसके बाद मेरे बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और मेरे बाल झड़ना बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, बालों में अलग सी शाइन आ जाती है, स्मूथ हो जाते हैं, रफनेस जो है वो चले जाता है। तो ये वाला हेयर मास्क आप जरूर ट्राई करना। वीडियो के आगे मैं एकदम सस्ता सा आपको हेयर सीरम भी बताऊंगी होममेड, पर उससे पहले आप अगर मेरे फेस को देखेंगे कि पहले मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल्स थे, अभी बस हल्के हल्के से डार्क बचे हुए, सारे पिंपल चले गए हैं, फेस जो एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है, इसका रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे काफी सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने फेस के ऊपर जो पिंपल्स थे उसको कैसे रिमूव किया, हमें भी बताओ। तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
तो गाइस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश विद मुल्तानी मिट्टी एंड बुल्गारियन रोज फॉर ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने। आपके स्किन को मुल्तानी मिट्टी की गुडनेस मिलने वाली है बिना किसी हैसल ऑफ मिक्सिंग एंड वेटिंग के। सो वी हियर यू मीट मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश विच ब्रिंग्स योर फेवरेट एज ओल्ड स्किन केयर रेमेडी ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड रोज फॉर एक्ने एंड ऑयल कंट्रोल इन एन ईजी टू यूज डेली फेस वॉश। बस आपके वेट फेस पे इसको लगा के रब करके फेस को वॉश कर लेना है। आपके कुछ मिनट में आपको चेहरे पे ग्लो देखने मिलेगा। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है जो आपके स्किन को जेंटली क्लींस करेगा एंड रिमूव करेगा आपके एक्सेस ऑयल को एंड प्रिवेंट करेगा आपके एक्ने को, और ये आपके स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं गिरने देता है। और इसके अंदर बुल्गारियन रोज है जो लोडेड विद एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, और ये आपके स्किन को हाइड्रेट कर देता है। और इसके साथ नायासिनेमाइड है एंड विटामिन ई है जो आपके स्किन टोन को इवेंट करता है और कंट्रोल करता है आपके ऑयल प्रोडक्शन को विदाउट लीविंग योर स्किन ड्राई और स्ट्रेची। सो मुल्तानी मिट्टी हेल्प्स इन डिमिनिशिंग पोर साइज, रिमूविंग ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड एंड क्लींजिंग अ स्किन। दैट्स व्हाई आई रियली लव दिस फेस वॉश। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फेस पैक जो है मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक विथ मुल्तानी मिट्टी एंड बुल्गारियन रोज फॉर ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने। अगर आपकी भी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारा पुराना इंग्रेडिएंट है जो है मुल्तानी मिट्टी एंड रोज दैट्स प्रूवन टू कंट्रोल एक्ने इज नाउ अवेलेबल इन योर लेटेस्ट रेडी टू यूज मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी एंड बुल्गारियन रोज है जो मामाअर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है वो हील करेगा एंड प्रिवेंट करेगा आपके एक्ने को एंड हाइड्रेट करेगा आपके स्किन को और नेचुरल ग्लो देगा बिना किसी मिक्सिंग प्रिपेयरिंग एंड वेटिंग के। जस्ट आपको एक स्कूप लेके आपके फेस पे अप्लाई करना है एंड ड्राई होने के बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। सो से हेलो टू ऑयल फ्री एंड क्लियर स्किन इन जस्ट 20 मिनट्स विद अ बुल्गारियन रोज। द मुल्तानी मिट्टी फेस पैक एड्स अ बर्स्ट ऑफ hydration to your skin without leaving in a dry or stretchy like other face pack। और इसी के साथ इसके अंदर है एलोवेरा एंड टी ट्री ऑयल इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट सूथ इरिटेशन एंड गिव्स अ कूलिंग सेंसेशन व्हाइल कीपिंग एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया एट बाय। सो नो मोर एक्ने, नो मोर ग्रीसीनेस, जस्ट अ नेचुरली ग्लोइंग स्किन। दैट्स नॉट ऑल, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक इज ऑल्सो मेड सेफ सर्टिफाइड विच मीन्स इट कंटेन्स नो टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल, जस्ट नेचुरल गुडनेस। तो यहाँ पे लगा के 15 to 20 मिनट्स बाद मेरा फेस ड्राई गया। अब मैं इसको फेस वॉश कर लूंगी। इससे मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट एंड सूथेस हो गई। ये आपके स्किन को कंट्रोल करेगा एक्सेस ऑयल को और प्रिवेंट करेगा एक्ने को, और ये मेरे सेफ सर्टिफाइड है। सो मैं बेझिझक इसे यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। And all Mamaearth products are free from harmful chemical and natural glow. And use my coupon code SANJH2023 for 20% off at Mamaearth.in pay. And Mamaearth products are also available Amazon, Flipkart and Nykaa and Purple for products for order. And baby products are also available on Mamaearth website, Amazon and FirstCry also. They are now also available in store near you. Message me or comment down below the next time you spot a Mamaearth store near you. And every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. The exact geolocation picture and the species of the tree will be sent to you. And by 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. Mamaearth is plastic positive. They recycle more plastic than they use. They now recycle over 240 MT of plastic every month. And Mamaearth has opened their own store offline as well. So comment down below if you spot a Mamaearth store around you. आपने कितना ज्यादा सिंपल है, बस आपको फेस वॉश करना है, ऑल ओवर फेस पे आपको अच्छा सा फेस पैक लगा लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपके फेस पे कितना ज्यादा अच्छा ग्लो एंड निखार आया है, तो आप इसे जरूर परचेस करना। तो गाइस अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा ऐसा होम मेड हेयर सीरम बनाती हूँ जिससे मेरे बाल एकदम स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की लगते हैं। लुक एट दिस,
तो गाइज इसके लिए ना आपको लेना है एलोवेरा जेल। आप प्लांट का भी ले सकते हो, पौधे का भी ले सकते हो, या फिर आप रेडीमेड वाला भी आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। और उसको आपको करना है कि आपको 1 और 2 टेबल स्पून आपको एलोवेरा जेल लेना है। उसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो। एंड देन उसके अंदर आपको ऐड करना है विटामिन ई की कैप्सूल 2। जी हाँ, आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने वीडियो में, अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने वीडियो में मैंने सिर्फ छोटी क्वांटिटी में बनाया, क्योंकि मैंने 1 या 2 टाइम यूज के लिए मैंने वो बनाया, क्योंकि जब भी मुझे लगते हैं तो मैं तुरंत झटपट बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हर चीज रेडीमेड रहती है, घर में हर चीज अवेलेबल है। तो मैं जस्ट 2 मिनट में ये होममेड हेयर सीरम बना लेती हूँ। स्प्रे की बॉटल मेरे पास हमेशा रहती है, तो मैं कभी भी ये झटपट जो है वो हेयर सीरम लगा लेती हूँ। आपको उसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके अंदर आपको जो है वो आपके क्वांटिटी के हिसाब से वाटर ऐड कर लो, आधे से भी आधा ग्लास आपको पानी उसके अंदर ऐड करना है। देन अच्छे से मिक्स करना है, स्प्रे बॉटल में डालो, स्प्रे को अच्छे से शेक करो, एंड देन आप आपके बालों में उसे अच्छे से स्प्रे कर लेना। आप देखना आपके बालों में, आप लाइव रिजल्ट देखना कि कितने ज्यादा बाल स्मूथ सिल्की एंड शाइनी लगते हैं उसको यूज करने के बाद। तो आप ना इसे एज अ हीट प्रोटेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटनिंग कर्लर करना है तो आपको इसे बस अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लो, एंड देन आप अपने बालों में स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो। इसे आपके बालों को है ना हीट से प्रोटेक्ट करेगा। तो आप इसे एज अ हीट प्रोटेक्टर भी आपको मिल जाता है, हेयर सीरम भी मिल जाता है जो आपके बालों को स्मूथ सिल्की एंड शाइनी दिखाए। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करना गाइस। तो गाइस कैसे लगे ये होममेड हेयर मास्क और होममेड हेयर सीरम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर ने इसे ट्राई किया और सब बहुत सारे सब्सक्राइबर को इसका फायदा भी हुआ है, इसलिए मैं मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करना चाहती थी कि आप भी इस होम रेमेडी का फायदा जरूर उठाओ और आप आपके बालों की लाइफ जो है वो लॉन्ग कर दो। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे आए। और गाइस मैं ऐसे ही लॉन्ग हेयर एंड ब्यूटी टिप्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहती हूँ, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। और बहुत जल्द हमारे 4 लाख की फैमिली कंप्लीट करने, तो प्लीज गाइस यार एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। आप इन दोनों प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, आपको 20% ऑफ मिलेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे डायरेक्टली परचेस जरूर करना। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।